हेलो स्टूडेंट, तो जेई मेन के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं थोड़ी देर पहले ही, अभी रिलीज हुए हैं। तो किस साइट से इसको डाउनलोड करना है साइट बता देते हैं, jeimain.nta.nic.in। ओके, इससे आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको जब क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, वही ही होना चाहिए बात ध्यान रखिएगा जो कि आपने फॉर्म में भरा है, ये तो आम बात है। फिर एंटर सिक्योरिटी पिन भी आपको दे रखा होगा, नीचे कुछ 5 डिजिट नंबर कुछ होता है वो आप भर देंगे, फिर उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे फिर आएगा कि डाउनलोड वाया विच लिंक, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 होगा, तो वहां पे हो सकता है सर्वर बहुत बिजी चल रहा हो तो किसी भी लिंक से आप डाउनलोड तो कर ही लेंगे। ओके, एक बात ध्यान रखिएगा, सैनिटाइजर जरूर ले जाइएगा और एक दिन पहले सेंटर जरूर देख लीजिएगा। हमारे जानने वाले कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम छूट गया है, ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब जो बात हम कहने जा रहे हैं वो ध्यान समझिए। देखिए, दो कैटेगरी हैं स्टूडेंट्स की। एक वो जिनको पता है कि उनका जेई मेन में तो हो ही जाएगा, जेई मेन से उनको मतलब नहीं, उनका टारगेट ही एडवांस है, तो उस कैटेगरी के लिए हम पहले बात कर लें। अगर आपके मार्क्स, आपको लगता है कि इसमें आपके मार्क्स 240 या 240 से ऊपर आ जाते हैं, ओके, तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप बाकी के मार्च, अप्रैल, मई के भी एग्जाम दें। आप फुल्ली कंसंट्रेट करिए केवल और केवल एडवांस पे, पूरी तरह से एडवांस को ही कंसंट्रेट करिए। और जो उनसे एवरेज बच्चे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आप टारगेट मार्च को रखें, अप्रैल में भी है हमारे पास, उनको आप बोनस समझ लीजिए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। वैसे देखिए, हमेशा ये नहीं कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा, ये बात ना सोचिए, अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको मार्च वाले तक के सारी चीजें फिनिश कर लेनी, आप टारगेट उसको करिए। ओके, तो जेई मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया सा करके आइएगा, बिल्कुल फ्रेश होके जाइएगा। थैंक यू।